गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन रहेगा वो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो एक स्कैनर है, एक स्कैनर के हिसाब से करेंगे और बाकी जो हमारा वॉच लिस्ट में हमने कुछ कंपनीज जो ऐड करके रखा है, जो सबसे स्ट्रांग कंपनीज होते हैं निफ्टी के, वो कंपनी को वन बाय वन चेक कर सकते हैं अगर हमको स्कैनर में नहीं मिलता है तो, और अदरवाइज हम सीधा स्कैनर को यूज़ करेंगे और स्कैनर के हिसाब से ही स्टॉक को पिक करेंगे और उसमें एंट्री कहाँ पर बनेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्क्रीन पर चलते हैं, दो स्कैनर पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये इंट्राडे के लिए स्टॉक स्कैनर है, तो ये स्कैनर आज ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को यही स्कैनर यूज़ करना है। इसके हिसाब से क्या है कि जैसे मंथली आरएसआई वो है वो 65 से ऊपर हो अभी, इसलिए कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन मोड में है तो आपको नॉर्मली स्कैनर में मिलेगा नहीं अगर हम इसको 70 कर देते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो 70 में भी आपको अच्छा स्कैनिंग में आ जाएगा कंपनी, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम का भी आरएसआई नीचे की ओर आ रहा है और मार्केट में भी आरएसआई नीचे की ओर ही आएगा, क्योंकि अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में भी डाउन थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो जिसको भी इंट्राडे में स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग करना है तो इसमें क्या है कि बेरिश स्टॉक्स नहीं है, इसमें जो भी होगा वो बुलिश स्टॉक्स ही होगा, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है बेरिश, मतलब मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ क्योंकि मैं बुलिश ही देखूंगा कोई भी कंडीशन हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको वीकली आरएसआई मोर देन 65, डेली आरएसआई मोर देन 65, वन आवर का आरएसआई 62 से ऊपर होना चाहिए और ये 15 मिनट का जो आरएसआई है वो हमारा 62 को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्कैनर हो जाएगा और इस स्कैनर से जो भी कंपनी आएगा उसको हम हमारे सीपीआर सेटअप में वेरीफाई करेंगे। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी दिखा रहा है, तो ये आया है कब, ये टाइमिंग जो आया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये आया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 3:15 पे, तो 3:15 में आया है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट डे देखेंगे खुलने के समय में क्या सिचुएशन है वो देख लेंगे। जैसे HAL, तो इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल CPR का फॉर्मेशन है, ट्रेंड रिवर्सल CPR के बाद ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में सस्टेन कर गया है और R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। अगर मंडे को ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है 10 बजे से पहले, तो हमारा टारगेट R2 R3 रह सकता है, है ना। अगर इमीडिएटली R2 पहुंच गया तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और जैसे अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में क्लोज होता है तो आपका स्टॉप लॉस नीचे की ओर रहेगा R1 प्रीवियस डे हाई के नीचे इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो ये एक है तरीका जिसको CPR सेटअप के साथ वेरीफाई करना है। और पिछला जो और भी आया है उसका रिजल्ट देख लेते हैं, तो जैसे रेंडमली कोई भी एक ले लेते हैं, ABB 12 अप्रैल को 12:45 तो यहीं पे आया है और वो ठीक है, मार्केट पूरा क्रैश हो गया इसीलिए वो गिरा नहीं, लेकिन ये भी गिरा नहीं, ये भी सस्टेन किया है R2 लेवल के ऊपर। और दूसरा कंपनी है HAL का देख लेते हैं। HAL तो वैसे अभी हमने देख लिया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये आया है 12:45, मतलब ये कैंडल एंट्री दिया है, ये कैंडल हमको एंट्री दिया है, तो यहाँ से हमारा टारगेट क्या रहता है, R2 लेवल रहता है, तो ये R2 लेवल को टच कर गया है, तो यहाँ पे भी अगर आपका एंट्री है तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल गया है इस बीच में। तो इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन इसी सेटअप से करना है, इससे भटकना नहीं है। या और कोई रेंडमली देख लेते हैं, जैसे वेदांता 12 अप्रैल को 12 बजे, तो वेदांता वेदांता 12 अप्रैल को 12 बजे 12 अप्रैल हाँ यहीं पे दिया है और ये अभी ऊपर की ओर ही है इसका ट्रेंड। तो ये तो हो गया इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है उसके लिए। दूसरा ये है स्कैनर जिसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बाकी
स्कैनर है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन रखना है, जैसे आपने एंट्री लिया मान लो आपके फेवर में नहीं गया, वहीं कंसोलिडेट कर गया, तब उसके लिए थोड़ा सा ये है कि आप हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे, 1 आवर के बेसिस पे स्कैनिंग करेंगे, तो इसके हिसाब से भी जो भी शेयर मिला होगा, जैसे कोई भी एक रेंडमली देख लेते हैं, जैसे टाटा स्टील 9 अप्रैल को 9:15 को और ICICI बैंक 9 अप्रैल को, तो ICICI बैंक देख लेते हैं 9 अप्रैल को 9:15 को मिल गया है, देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ही आपको एंट्री दिया है और उसके बाद क्या शानदार मूव आया है, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस का ये फायदा है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा यही रहेगा, जो भी हमारा इंट्राडे के लिए ये है, तो इंट्राडे में आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चार्ट से वेरीफाई कैसे करना है वो मैंने बता दिया, जैसे जो भी कंपनी आया उसके बाद सीधा CPR सेटअप लगाना है, वहाँ पे ये देख लेना कि रेंज के अंदर है कि रेंज से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी इंट्राडे से रिलेटेड है, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, उसमें ऑप्शन पे कैसे ट्रेड करना है, अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे कल मार्केट लगता है कि कंसोलिडेट रहेगा, मार्केट नीचे जा सकता है और हम स्कैनर में शेयर ढूंढेंगे ये पोजीशन में स्क्रीन पड़ने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वो कुछ अच्छे मूव ना कर पाए अगर निफ्टी नीचे जाए तो? नहीं, निफ्टी नीचे मान लो अगर नीचे खुल गया, गैप डाउन खुल गया बहुत ज्यादा, तो ऐसा थोड़ी है कि हर शेयर नीचे जाएगा, कुछ कंपनी ऊपर उछलेगा कुछ कंपनी नीचे जाएगा, और क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, दोनों को मिला के इम्पैक्ट देखेंगे तो नेट नेट नेगेटिव रहेगा, बट कुछ ना कुछ कंपनी तो ऊपर जाएगा ना, अगर सारा गिरेगा तो फिर मार्केट पूरा वन वे गिरेगा, लेकिन हमको भी पता है कल वाइडर CPR है, तो वाइडर CPR है तो पूरा का पूरा कंपनी तो गिरेगा नहीं, कुछ तो उसको रोकेगा ना ऊपर, है ना, तो वही है लॉजिक, इसीलिए क्या है कि भटकना नहीं है उस पाथ से, ठीक है। मार्केट निफ्टी अगर जा रहे हैं, निफ्टी अगर हम निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी के हिसाब से लेना है, लेकिन शेयर्स में कर रहे हैं तो शेयर्स में कुछ शेयर ऊपर जाएगा कुछ शेयर नीचे जाएगा, हो सकता है कि अगर 50 कंपनी है तो 40 कंपनी नीचे जाए 10 कंपनी ऊपर जाएगा, तभी तो बैलेंस रहेगा, अदरवाइज तो मार्केट अनबैलेंस हो जाएगा, लोअर सर्किट मार देगा, ठीक है। ओके ग्रेट, थैंक यू। ओके राजन जी आपका, हाँ राजन शर्मा जी। सर जैसे स्टॉक ऑप्शन में अपने जैसे इंडेक्स में कॉल पुट का चार्ट लगाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही लगाना है कि मेन चार्ट लगाना है? स्टॉक्स में, ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में आप ऑप्शन के प्राइसिंग का चार्ट लगाइए ना, बिल्कुल बढ़िया काम करेगा वो, जस्ट यहाँ से एक वेरिफिकेशन कर लीजिए अपना टारगेट डिसाइड करना है, हाँ वहाँ पे, क्योंकि आपको जो आपका एंट्री होगा तो कौन सा कैंडल ऑप्शन का प्राइसिंग का कौन सा कैंडल है जिसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है वो वहाँ से डिफाइन होगा जी, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, एक मोटा मोटी एक अंदाजा यहाँ से लग जाएगा कि यहाँ पे क्या सीन है, बाकी ऑप्शन के प्राइसिंग के चार्ट पे आपको इमिडिएटली टारगेट मिल जाएगा या कहाँ पे निकलना है वो भी क्लियर हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, कई बार क्या होता है अरे मैं जल्दी निकल गया उसके बाद भाग गया, कई बार होता है कि अरे यार बेच नहीं पाए वो नीचे गिर गया, तो वो क्या है कि टारगेट टू टारगेट करेंगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब संतुष्टि रहेगा कि मैंने एंट्री सही जगह लिया था, टारगेट मेरा हिट कर गया, उसके बाद उसको जाने दो ना जहां जाना है जी सर, है ना, हमारा से ज्यादा मतलब सुटेबल रहे कि R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है, अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ है तो वो बेस्ट एंट्री है जी, है ना, अगर हम अपसाइड का पोजीशन लगा रहे हैं, हाँ अपसाइड का पोजीशन लगा रहे हैं तो कम से कम CPR के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, अगर CPR और R1 प्रीवियस डे हाई के बीच में गैप ज्यादा है तो आप R1 प्रीवियस डे हाई पे एग्जिट करेंगे, अगर कोई कैंडल इसके ऊपर निकल जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल तो फिर री एंट्री कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर CPR और R1 प्रीवियस डे हाई के बीच में कहीं पे मिला है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसको ब्रेक करेगा, हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए, तो हम रिस्क क्यों लेंगे, हम इसको ब्रेक होने का इंतजार करेंगे और कोई भी कैंडल ब्रेक होता है उसके बाद फिर से रीटेस्ट करके यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, तो रीटेस्ट करके अगर फिर ऊपर जाने लगेगा फिर री एंट्री कर लेंगे, फिर हमारा R2 टारगेट रहेगा। लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे एंट्री किए यहाँ पे बुक नहीं करते हैं, यहाँ पे बुक नहीं करोगे तो भाई ये तो रेंज के अंदर है ना, रेंज के अंदर है तो यहाँ से वापस आ सकता है,
है ना, इसके ऊपर निकल गया तो यहाँ तक फास्ट जाएगा जी। और सर इसमें अपना 15 मिनट का कैंडल ज्यादा सूटेबल रहेगा? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, स्कैनिंग के लिए आप 15 मिनट यूज करिए, और ट्रेड तो आपको 5 मिनट लेना है, इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट है ना। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बनाना है तो आप 15 मिनट को यूज कर सकते हो एंट्री के लिए। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, आप स्ट्रेडल बना रहे हो? हाँ, मैंने कॉल पुट सेल कर ले रहे हैं एटीएम का। हाँ, उसका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे अगर वाइड सीपीआर में लगाना है हमको? तो वही है, रेंज से बाहर निकला तो आपको लॉस बुक कर लेना है। रेंज से बाहर निकला तो लॉस बुक कर लेना है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, मतलब वो रेंज के अंदर ही रहेगा नॉर्मली, या फिर कोई ना कोई सीपीआर लेवल के बीच में रहेगा। अगर वो रेंज ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है वहां पे, क्योंकि अगर आपका अगेंस्ट में भी जाएगा तो एक साइड तो आपके फेवर में आएगा ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं, और कुल मिला के वो जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कैरी ओवर नहीं करोगे ना शॉर्ट स्ट्रेडल को, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। हाँ, इंट्राडे में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ड्रास्टिक कुछ हो गया मार्केट में कुछ? वो नॉर्मली होता नहीं है, ड्रेस्टिकली होगा नहीं, वाइडर सीपीआर है तो नहीं होगा, वो खुलेगा ही ड्रेस्टिक, या गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, बीच में नहीं होगा वो। वाइडर है तो बीच में नहीं होगा, वाइडर है तो बीच में नहीं होगा। ओके ओके, मतलब स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर एट द मनी का कॉल पुट लिए हुए हैं तो स्वाभाविक है, एक साइड अगर जाएगा तो आपका एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इम्पैक्ट अगर देखेंगे नेट नेट तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक लेवल से जाके फिर से रिवर्स आएगा वाइडर सीपीआर है तो कुल मिला के आपको दोनों साइड से दिक्कत नहीं है, इंट्राडे में करने में दिक्कत नहीं है, कैरी ओवर करने में दिक्कत हो सकता है। हाँ शाहिद भाई, पूछिए अपना क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। सर मैं दो जगह वाइडर सीपीआर है, और कल की सिचुएशन है जैसे वॉर चल रहा है, हाँ हाँ, तो ग्लोबल मार्केट रहेगा और ये गैप डाउन ही मेन रेट खुलेगा, हाँ हाँ हाँ, तो वाइडर सीपीआर का जो टेंडेंसी है कि रेंज बाउंड रहता है वो ऐसी मार्केट में भी काम करता है? कभी कभार अगर फेल होगा तो होगा, नहीं तो नॉर्मली होगा नहीं। कल का वार का सिचुएशन भी रहेगा तो भी वैसे ही काम करेगा, आप देख लेना ना कल, ठीक है ना। अब रेयरली अगर साल में एक आध बार हो भी गया तो कौन सा दिक्कत है, वो तो हमको स्वीकार करना है ना। सर कुछ होल्डिंग बनी हुई है, थोड़ा डर लग रहा है कि क्या करें अभी, इतना कुछ नहीं सोचना है, वो सब होते रहेगा, होते रहेगा, वो सब आता है, वो चार दिन के लिए आता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है चीजें, है ना, कोई हड़बड़ाना नहीं है। क्या है कि उससे क्या है, अगर हम उसको लिंक कर देंगे ना कि इजराइल ईरान का वार हो रहा है, उससे मार्केट गिरेगा ही, हम बना रहे हैं पोजीशन इंट्राडे के लिए, हम बना रहे हैं गिरेगा करके, ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है, अब वहाँ पे साइकोलॉजी क्या रहेगा, नॉर्मल आदमी का साइकोलॉजी ये रहेगा कि गिरेगा गिरेगा, उसी में ऊपर उठा देता है बड़ा प्लेयर, क्योंकि वो तो पहले से बेच के बैठा है ना, वो नीचे आता है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है प्राइस ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्या है, लोग सोचते हैं कि ऊपर जा रहा है तो जैसे ही लोग खरीदना चालू करते हैं फिर से वो सेलिंग चालू कर देते हैं, है ना, तो वो वही है, उसी चीज को साइकोलॉजी को पकड़ना है बस। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोल। जैसे स्कैनर में हाल आया है जी, तो सर इसका जो ऑप्शन का मतलब ये ऑप्शन पे चार्ट पे चेन देखा सर, मैक्सिमम ब्लैंक मतलब वाई वगैरह कुछ है, तो सर इस टाइप का स्टॉक्स में वो जाना ही नहीं ना, मैं तो इसीलिए बोल दिया ना, निफ्टी 50 कर लो, निफ्टी 50 कर लो, अगर एकदम सेफ में जाना है तो निफ्टी 50 कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो गलत कंपनी आएगा ही नहीं, आप देख लो आएगा नहीं, कम हो जाएगा कंपनी, अपने आप हट जाएगा, तो वो जो आप ओआई का इशू बोल रहे हो वो उस कंपनी में आ सकता है जो निफ्टी 50 का पार्ट ना हो, क्योंकि फ्यूचर में तो 150 कंपनी से ज़्यादा है ना, तो उसमें बहुत सारे कंपनी है जिसमें ऑप्शन में ट्रेड ही नहीं होता है, अब उसमें मान लो गलती से आपने पोजीशन बना लिया, अब जब आप एग्जिट करने जा रहे हो तो आपको आपके अगेंस्ट में कोई मिलेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए,
तो उसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए हाई बीटा स्टॉक्स में ही जाना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, निफ्टी 50 करना है, और उसके बाद जो आपके पास वॉच लिस्ट है, जैसे हम लोग, जैसे मैं बना के रखा हूँ, तो निफ्टी के टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट जो निफ्टी को मूव कराने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं को रखा है इस लिस्ट में, है ना। तो इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा ओआई का। फाइनली आज का जो सेशन ओवर करने के पहले मैं यही बोलूंगा, जिनको निफ्टी सूट करता है या बैंक निफ्टी सूट करता है, वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे करेंगे। जिनको स्टॉक्स सूट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में फोकस करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है निफ्टी किधर जा रहा है, क्या जा रहा है ना। तो स्टॉक्स वाले लोग को स्टॉक्स फोकस करना है, इंडेक्स में करते हैं उनको सिर्फ इंडेक्स करना है, जो स्विंग ट्रेडिंग बनाते हैं उनको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में फोकस करना है, तभी जाके सफलता मिलेगा। अगर सारा चीज़ करने लगेंगे ना तो दिमाग पजल्ड हो जाएगा और आप कहीं डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हर जगह आपको लॉस दिखेगा, है ना। तो मेरी तरफ से फाइनल एडवाइस यही है कि जिसको जो चीज़ सूट करता है उसको सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। एक महीना करके देखिए, वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा। आप मिलाओगे, खिचड़ी बनाओगे ना, तो दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए सभी से मेरा सजेशन भी है और एज अ फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट भी है कि गलत दिशा में ना भटकिए, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वही आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा, कंटिन्यू वही करना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।